नमस्कार साथियों, गनीपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और मैं एक वरिष्ठ अध्यापक 2018 में सेलेक्टेड, तो आपको जो मैंने मेरा अनुभव है, मैंने किस तरह से इनका डीवी करवाया था और मेरी डीवी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, तो वही आपके साथ में वो साझा कर रहा हूँ। सबसे पहले आप एक 3 सेट रेडी करें और 3 सेटों में आप किस तरह से आपको सेट रेडी करना है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप एक सबसे पहले आप कि इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आपका डीवी किस तरह से होगा, वहाँ पर क्या होगा, कुछ भी आपको कुछ नहीं करना। इसके अंदर आपका रीट का तो होता है, वो ऑनलाइन होता है, और फिर जिला मुख्यालय पर आपके जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक बार चेक किए जाते हैं। तो आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर जरूरत है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले जो आपको 3 सेट बनाने हैं उसके अंदर सबसे पहले आप 10वीं की मार्कशीट, दूसरा 12वीं की मार्कशीट, तीसरा जाति प्रमाण पत्र। ध्यान रखो, जाति जो प्रमाण पत्र है वो आपका डिजिटल होना चाहिए, ठीक है। बस एक ये डिजिटल होना चाहिए जिसके अंदर आपकी फोटो प्रिंट हो रही। जो जाति मूल और आय प्रमाण पत्र है उसकी यहाँ पर कोई इतनी जरूरत होती नहीं है, क्योंकि ये कोई स्कॉलरशिप वाला फॉर्म नहीं होता जिसके अंदर आपको आय प्रमाण पत्र जरूरत हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखें आप, मूल निवास का और एक जाति का। पुलिस वेरिफिकेशन, इसको आप अभी ऑनलाइन करवा दें, क्योंकि ये आपका चलता है 6 माह पुराना, 6 महीना पुराना आपको पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत होती है। तो इसके लिए आप अभी से अप्लाई कर दें, ऑनलाइन होता है और इसलिए ये ऑनलाइन प्रक्रिया आप अपनाएं। मेडिकल होता है, मेडिकल आपको अभी नहीं करवाना, कहीं आप अभी से आप मेडिकल आपका रेडी कर लें। मेडिकल आपको करवाना है जैसे ही आपके ओरिजिनल, जैसे ही आदेश होते हैं कि कल आपकी ज्वाइनिंग है, ठीक है, कल परसों डेट आती है वो तो ज्वाइनिंग की, तो जैसे ही ज्वाइनिंग का आदेश आते हैं उसके अगले दिन, ज्वाइनिंग से 1 दिन पहले आप इसका मेडिकल बनवा लो। मेडिकल बनवाने में किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होती है, 1 दिन में क्या आधे घंटे में बन जाता है मेडिकल, ठीक है। और ये हेडमास्टर या प्रिंसिपल के विवेक के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो आपका कब चाहता है। वैसे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अर्जेंट ही बने, 1-2 दिन का डिले भी हो सकता है। और इसके बाद आपका जो मूल फॉर्म, जो आपने रीट का फॉर्म भरा था उसका आपको मूल फॉर्म यहाँ पर जरूरत होती है, ठीक है। तो सभी अपना जो जब भी कहते हैं कि जो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं उनका आप मूल प्रति निकाल करके हमेशा रखा करो, ठीक है, और उनको अपनी एक फाइल में संधारण करना। इसके बाद में बीए और बीएससी, इनकी 3 सालों की अलग अलग मार्कशीट है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, तीनों की अलग अलग मार्कशीट। और इसके अलावा बीएड, बीएड की मार्कशीट और साथ में क्या चाहिए, डिग्री, ये डिग्री भी आपको जरूरत होती है इसके अंदर, ठीक है। और जिन्होंने बीएससी बीएड किया हुआ है, बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड, इनको आपको अलग अलग साल की, 4 साल की अलग अलग की, एक एक साल की मार्कशीट होती है, बीए बीए की भी होती है और बीएससी बीएड वालों की भी होती है। इसके बाद आपको शपथ पत्र, अब शपथ पत्र के आप यहां पर प्रकार सुने। शपथ पत्र क्या है, देखो, एक होता है, इसको मैं यहां पर थोड़ा सा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप एक बार पूरे का। और इसके बाद आपको मैं यहां बता रहा हूं कि ये जो है कि शपथ पत्र कौन कौन से चाहिए, ठीक है। तो शपथ पत्र देखो, यहां पर एक है जो आपका विवाह का हो सकता है, इसका आपको विवाह का है ये तो आपको पता है क्या है, प्रमाण पत्र बनेगा, जो सिर्फ विवाहित का ही बनेगा, अनमेरिड का किस तरह का कोई नहीं चाहिए, तो ये प्रमाण पत्र ये तो ऑफिशियली चाहिए आपको। शपथ पत्र चाहिए एक तो धूम्रपान वाला, ठीक है, एक धूम्रपान वाला, दूसरा यदि आप अविवाहित है तो दहेज वाला, और यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार का कोई करेक्शन है, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है, तो आपको मिनिमम 50 रुपए वाले एफिडेविट, ठीक है, एफिडेविट पर आपको ये करवाना है, 50 रुपए के, यस 100 रुपए के भी करवा सकते हो, लेकिन आप 50 रुपए का ही इसमें मान्य है वहां पर, ठीक है। और इसके अलावा धूम्रपान हो गया, दहेज हो गया, और कोई शराब का भी चल सकता है, शराब का, इनका आप चाहे तो अलग अलग बनवा सकते हो या फिर आप एक में ही इंक्लूड करवा सकते हो, ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड होता है कभी कभी वो, लेकिन आप कोशिश करें कि कम से कम ये शपथ पत्र आप कम से कम 2
या तीन लेके जाए, एक से पार नहीं पड़ती है वहां पर। और विवाह प्रमाण पत्र, जो मैरिड है उसके लिए विवाह प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। एक है चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र आपको तीन चाहिए, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र भी देखो यहाँ पर तीन है, यहाँ पर मैं इसको वापस थोड़ा सा हटा रहा हूँ। चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत होती है एक आपका जो लास्ट ईयर में, जिसमें आपने अंतिम समय में एडमिशन लिया है, वहां पर अंतिम समय में आपने पढ़ाई की है, रेगुलर पढ़ाई की बात करता है, ये ध्यान रखें। यहाँ पर रेगुलर की पढ़ाई की बात करता है, उस वहां का आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। इसके अलावा दूसरा जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है, ये आपके स्कूल के बने होते हैं दो, जो आपको एक एक रुपए के सादा पेज पे आपको बनानवाने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स वहां पर कोई जरूरत नहीं होती है। इन सभी डॉक्यूमेंट्सों का आप तीन सेट रेडी करेंगे। आप तीन सेटों में से आपको एक आपको मुख्यालय पर जमा हो जाएगा, एक आपके स्कूल में जमा हो जाएगा, तीसरा आपके पास खुद के पास रहेगा वो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आपको जैसे ही सर्विस आप ज्वाइनिंग करते हो, उसके बाद में जो आपकी सर्विस बुक होती है उसका रिकॉर्ड रखने के लिए आपको एक पर्सनल एक अलग से फाइल भी खुद की संधारण करनी होती है, ठीक है। तो मैं क्या गवर्नमेंट अध्यापक हूँ, तो इसलिए मुझे इनका बिल्कुल बारीकी से करवाया हुआ है। और मैंने 2018 वाली जो सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट की है, सेकंड ग्रेड और आरपीएससी जो मेन है, दोनों में डीवी कराया हुआ है। तो इसलिए डीवी के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, कोई भी डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की कोई कमी होती है तो वो आपको निश्चित समय दिया जाता है। जैसे आपके इसमें कमी हो गई कि कोई सी में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो इस प्रकार की जो कमी होती है उसके लिए आपको वहां पर 7 दिन का या 14 दिन का समय दिया जाता है। वो आपसे लेता है समय कि आप कितने दिन में इनको सही करवा सकते हो। एक चीज का आप विशेष ध्यान रखोगे कि ये नहीं है कि आपने जैसे कोई चीज को अपने हो गई मिस्टेक, लेकिन फिर भी आप उसको ये सोच रहे हो कि मैंने एफिडेविट दे दिया और अपना काम बन गया। वो मिस्टेक आपको कभी न कभी सुधरवानी पड़ेगी, क्योंकि वो आपको सही रूप में दिक्कत देगी, फिर पे मैनेजर पे समस्या आती है उसकी, और वो फिर अंतिम समय पर आपको जैसे ही आगे सर्विस कंटिन्यू जारी रहती है तो उस समय आपको बहुत परेशानी आती है वो मिस्टेक वाली। इसलिए आप इस चीज को विशेष ध्यान रखें कि जो भी चीज मिस्टेक है आपकी, वो आप अभी से सुधारने की कोशिश करें। और इसके अलावा भी यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है किसी भी चीज में कि सर क्या चाहिए, अभी जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म का निर्देश आएगा, फॉर्म निकलेगा, उस समय आपको बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है उसके अंदर। तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं, और बस यह है कि आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक की कोशिश है कि जितने भी साथी हैं सभी का फाइनल सिलेक्शन हो, और यह है कि बस जल्दी से आपको ज्वाइनिंग मिले। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद दोस्तों, और अब मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में।